Hi everyone, greetings from Groom India. मैं डॉक्टर जिगर शिमाली, मैं एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन अहमदाबाद में काम करता हूँ। हम बहुत बार अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्लड सर्किट, जो हीमोडायलिसिस में यूज़ होती है। ब्लड सर्किट की एक डायग्राम है जिसमें उसके हम अलग अलग कंपोनेंट देख पा रहे हैं। इस अलग अलग कंपोनेंट को हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसके बहुत से क्लिनिकल सिग्निफिकेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले ब्लड सर्किट क्या होती है। ब्लड सर्किट जो शुरू होती है वास्कुलाइसिस से, वो वास्कुलाइसिस से ब्लड को लेके पंप तक लाती है और पंप से फिर वापस वास्कुलाइसिस तक जाती है। मीनवाइल वो डायलाइजर से पास होके क्लीन होगा और ब्लड क्लीन होता है। इस ब्लड लाइन का दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आर्टेरियल और एक होता है वीनस। जो आर्टेरियल कंपोनेंट है वो वास्कुलाइसिस को डायलाइजर तक कनेक्ट करता है और जो वीनस है, वीनस ब्लड लाइन, वो डायलाइजर से वापस वास्कुलाइसिस तक ब्लड ले जाती है। जनरली आर्टेरियल सेगमेंट रेड कलर के होते हैं और वो वीनस सेगमेंट ब्लू कलर के होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है पर ये रूटीन कलर कोडिंग है इन अ व्यू ऑफ के जो ब्लड आर्टरी में होता है वो चेरी रेड कलर का होता है और जो वेन में होता है वो थोड़ा डार्क होता है इन अ व्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर एंड लेस ऑक्सीजन। ये जो ब्लड लाइन है, क्योंकि उसके अंदर से ब्लड पास होता है, इसलिए उसकी जो इनर सरफेस है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्लॉटिंग और एयर बबल के चांस कम हो जाए। जनरली इसका इनर डायमीटर काफ़ी छोटा होता है और जनरली 100 टू 250 ml जितना ब्लड इस सर्किट के अंदर रह सकता है, 250 मैक्सिमम। जो कुछ अलग पर्पस की सर्किट होती है, जो ऑनलाइन HDFC लेके अलग पर्पस में, उनके ब्लड रिटेन करने की कैपेसिटी रूटीन सर्किट से थोड़ी डिफरेंट होती है। दैट्स द रीज़न हमने एक रेंज मेंशन करी है, बट अदरवाइज ये 100 टू 150 ml रहती है। अब सब टिपिंग सेम नहीं होती, डिपेंड करता है कि वो किस मैन्युफैक्चरर से, किस पर्पस से डिज़ाइन की गई है और किस प्रिस्क्रिप्शन के लिए, उसके मुताबिक उसके कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं। बट जनरली सब ब्लड सर्किट के अंदर प्रेशर मॉनिटर, ब्लड ट्यूबिंग, ब्लड पम्प, हिपेरिन पम्प, एलिक डिटेक्टर और क्लैम्प तो होते ही। तो अगर हम इस ब्लड सर्किट का डिस्कशन शुरू करें तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जब पेशेंट से ब्लड विड्रॉ किया जाता है तब से लेके पंप तक, हम प्री पंप सेगमेंट कंसिडर करते हैं, फिर हम पंप का डिस्कशन करेंगे, फिर हम पोस्ट पंप सेगमेंट का डिस्कशन करेंगे, तो और फिर हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो उसका अगर हम सबसे पहला कंपोनेंट जिसको प्री पंप सेगमेंट कहते हैं, इनफ्लो ब्लड लाइन, उसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि प्री पंप सेगमेंट क्या होता है, कि जो पेशेंट के एसेस माने वास्कुलर एसेस, आइधर वो डबल लुमेन या ट्रिपल लुमेन कैथेटर होगा या एवी फिशियला या एवी ग्राफ्ट होगा, वहाँ से ब्लड पंप तक का सेगमेंट जो इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला। अब इसमें क्या क्या होता है, रूटीन केस के अंदर एक सैम्पलिंग पॉट होता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ब्लड लाइन के आगे के पार्ट में एक राउंड कंपोनेंट जैसा होता होगा जहाँ से आप ब्लड विड्रॉ कर सकते हो ड्यूरिंग डायलिसिस या एट द एंड ऑफ डायलिसिस। हम यहाँ से यहाँ स्टार्ट ऑफ डायलिसिस हम वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। एक होती है सलाइन इन्फ्यूजन लाइन, जनरली आप उस सलाइन इन्फ्यूजन लाइन का यूज़ कॉमनली प्राइमिंग के लिए करते होंगे। बहुत बार वो लाइन प्राइमिंग में यूज़ नहीं होती, बहुत बार जो जहाँ से हम आर्टेरियल लाइन को कनेक्ट करते हैं वीनस एसेस से, आर्टेरियल कंपोनेंट को वीनस एसेस से कनेक्ट करते हैं, बहुत बार टेक्नीशियन वहीं से प्राइमिंग कर लेते हैं। तो उस टाइम ये ब्लड लाइन का आगे यूज़ हम कोई ब्लड प्रोडक्ट देने में या अगर हमें कोई बोलस इंजेक्शन देना है ना, उसके लिए हम करते हैं। एक और कंपोनेंट होता है प्री पंप प्रेशर मॉनिटरिंग। ये एक्चुअली हर मशीन में अवेलेबल नहीं होता, इसको हम P1 प्रेशर भी कहते हैं। अब एक बात समझनी है कि ये प्रेशर क्या होता है। इसके अंदर अगर हम देखा जाए कि ये रहा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर, ये है पंप के पहले का प्रेशर, पेशेंट में से ब्लड पंप खींच रहा है तो ऑब्वियसली ये प्रेशर नेगेटिव होने वाला है, ठीक है ना। अब
ये प्रेशर मेज़र करने के लिए एक छोटी सी ट्यूबिंग होती है जो ब्लड लाइन की परपेंडिकुलर माइट 90 डिग्री एंगल से निकल के जो प्रेशर पोर्ट होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ओके, जैसे हमने बात करी ये प्रेशर नेगेटिव होने वाला है क्योंकि जब ब्लड ब्लड पंप 200 टू 600 एमएल पर मिनट के लेवल पे पंप करता है, ब्लड खींचता है एसएस से, तब एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। और ऊपर से जहाँ पे एट्रियल ओपनिंग है उस वास्कुलर एसेस का भी एक रेजिस्टेंस होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो नेगेटिव प्रेशर है उसको किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो एक होता है ब्लड फ्लो रेट, एक होता है ब्लड विस्कोसिटी। जैसे ब्लड फ्लो रेट बढ़ाया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए पंप को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा और वास्कुलर एसेस से ब्लड ज़्यादा खींचेगा, तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि प्रेशर ज़्यादा नेगेटिव होगा। दूसरी ब्लड विस्कोसिटी, जितना थिक ब्लड होगा उसको खींचने में नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। तीसरा, साइज़ ऑफ इनफ्लो कैथेटर। अब से फॉर एग्जांपल हम एक अच्छे कैलिबर वाली एवीएफ नीडल को यूज़ करते हैं, अच्छे फ्लो वाली फिशर आ गए, और ऑन द कॉन्ट्ररी एक डबल ल्यूमेन कैथेटर है जो इतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा एसएस है डबल ल्यूमेन कैथेटर जिसका फ्लो इतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट और भी पैरामीटर होता है जो अभी हमने इस पॉइंट में भी डिस्कस कर लिया कि जो भी एसएस है वो कितना पेटेंट है, उससे भी डिसाइड होता है कि ये प्रेशर कितना नेगेटिव होगा। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब मशीन में ये एक जो ब्लड प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट के लिए जो फ्लो सेट करते हैं जिससे हम डायलिसिस की एफिशिएंसी अचीव कर पाए, अगर उसके दौरान ऐसे से प्रॉपरली ब्लड नहीं आ पाया तो होगा क्या कि मशीन को इतना ब्लड नहीं मिलेगा, फिल्टर तक इतना ब्लड नहीं पहुँचेगा जिसकी वजह से वो प्योर आउट हो पाए और वो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो हमारे लिए कोई क्वालिटी एश्योरेंस टूल होना चाहिए। जैसे बहुत से मशीन में एक चीज़ देखी जाती है और वो होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम के जो प्रोसेस होता है वो लिखा जाता है। अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं और साथ में रोटेशन पर मिनट कितने हैं ब्लड पंप के, अगर वो दो चीज़ हमारे नॉलेज में हो तो उससे हम ये जान पाएंगे कि रियल में इफ़ेक्टिव ब्लड फ्लो कितना है। तो बहुत से मशीन में ब्लड फ्लो जो प्रिस्क्राइब होता है और इफ़ेक्टिव ब्लड फ्लो दोनों अलग होते हैं, जिससे ये डिफरेंस हमें समझ में आता है। जनरली सेफ्टी के लिए हमने जैसे बात तो कर ली कि ये प्रेशर नेगेटिव है, पर नेगेटिव माने कितना, तो उसको हमें एक वर्किंग रेंज देनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अगर वो रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे प्रेशर वेरी करता है तो एक ऑडिबल अलार्म आए। मशीन में बहुत से ऑडिबल अलार्म होते हैं अलग अलग प्रेशर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। ये अलार्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी कोई अलार्म बजता है तो वो एक सिचुएशन हमें समझाता है कि मशीन उसकी रूटीन वे में नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो अगर हम एट्रियल प्रेशर की बात करें तो उसमें रूटीनली ये प्रेशर -50 टू -200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। जनरली यहाँ पे अलार्म सिस्टम की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर है, जब भी कोई भी ब्लड स्ट्रीम में नेगेटिव प्रेशर होगा तो वहाँ से एयर आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सो प्रेशर पंप ये अगर हमें P1 मेज़र करना हो तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन है पंप के पहले, उसको हमने यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट किया दिख रहा होगा आपको, तो ये P1 मेज़र करने के लिए होता है। और उसके साथ अगर हम आर्टेरियल प्रेशर का सेगमेंट देखें तो हमें यहाँ पे दिखेगा ये पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। दूसरा, अभी जैसे मैंने एक बात करी कि इफ़ेक्टिव ब्लड वॉल्यूम और इफ़ेक्टिव ब्लड फ्लो, ये दो सेगमेंट हमें इसमें दिख रहे हैं। अगर आप देख पाए तो इसमें 32 लीटर दिख रहा है, ओके, और यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो 32.1 लीटर दिख रहा है और इसमें इफ़ेक्टिव ब्लड फ्लो 234 ml दिख रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रिस्क्राइब ब्लड फ्लो 250 ml है। तो जो अभी हम आगे जो डिस्कस कर रहे थे वो पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। अब आगे की बात अगर हम डिस्कस करें कि अगर ये आर्टेरियल प्रेशर की जो हमने वैल्यू कंसिडर करी -50 टू -200, उसमें लो आर्टेरियल प्रेशर कब होगा, लो माने ज़्यादा नेगेटिव कब होगा, तो जब अच्छे से फ्लो नहीं आएगा। फ्लो कब नहीं आएगा, तो जब वास्कुलर एसेस से ब्लॉकेड है
वहाँ से फ्लो नहीं आ पा रहा, वो लाइन किंक हो गई है। जो नीडल है उसको बराबर है कि अगर हमने उसको अच्छी फ्लो वाली AVF में रखा हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है, पर अगर वो नीडल वास्कुलर एसेस की वॉल में वहाँ पे टच हो गई है, तो इतना अच्छा ब्लड हम फ्लो अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो वास्कुलर एसेस की कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा ब्लड पंप घूम रहा है। जैसे अभी हमने बात करी कि हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ब्लड पंप को सेट कर रहे हैं, पर साथ में हमें ये भी देखना है कि रियल में वो वास्कुलर एसेस इतना कैपेबल है कि वो इतना फ्लो दे पाए, वरना बहुत नेगेटिव प्रेशर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक और बात होती है, ब्लड प्रेशर ही पेशेंट का इतना अच्छा नहीं है कि जिससे बॉडी में से इतना ब्लड अवेलेबल हो पाए डायलिसिस के लिए। कभी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, माने जो वेसल्स है वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, और जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जो सेंट्रल कैथेटर है उतना अच्छा काम नहीं कर रहा। इस कंडीशन में जो ब्लड पम्प सेगमेंट है, प्री ब्लड पम्प सेगमेंट, वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और वो जितना चाहिए उतना ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा डायलिसिस के लिए। दूसरी कंडीशन है हाई आर्टेरियल प्रेशर वाला। इसमें क्या होता है कि प्रेशर हायर साइड चला जाए, मैंने -50 के ऊपर चला, मैंने ज़ीरो के तरफ या उससे ऊपर जाना शुरू कर देगा। ऐसा कब होगा? जैसे अगले में हमने देखा लो ब्लड प्रेशर, तो ऑब्वियसली इसमें हाई ब्लड प्रेशर होगा। इसमें सर्किट डिसरप्शन हो जाए, माने जो SS और SS के साथ जो कनेक्शन है आर्टेरियल लाइन, वो अगर खुल जाए तो उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सडनली चला जाएगा। पर ऐसा समझना ज़रूरी नहीं है हर बार कि अगर वो लाइन खुल जाएगी तो ये अलार्म टूअर द हायर साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन जो रेजिस्टेंस होता है, से फॉर एग्जांपल हम AVF में जब AVF नीडल इंसर्ट करते हैं ना, तो मेन रेजिस्टेंस AVF नीडल का होता है, नहीं कि AVF का होता है, AVF फिशुला का होता है। इस सिचुएशन में बहुत बार इवन नीडल डिसलॉज होने के बावजूद भी ये प्रेशर में इतने चेंजेस नहीं दिखते। एक और कंडीशन होती है अनक्लैंपिंग ऑफ सलाइन इन्फ्यूजन लाइन, जो हमने जो ये लाइन जो है ना, जो जहाँ से हम आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, ये बहुत बार सलाइन के लिए भी यूज़ होती है। तो अगर हम ये देखें, ये क्लैंप है, अगर हम ये क्लैंप अगर खुल जाएगा तो भी वही प्रॉब्लम होगा कि हम प्रॉपरली माने सीधा प्रेशर वो अप आ जाएगा, ब्लड पम्प काफ़ी स्लो घूम रहा है, या इन बिटवीन हम कभी मेडिकेशन या सलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं तब। ये पहला पार्ट हमने डिस्कस किया है, और वो जो पार्ट था ब्लड सर्किट का, जिसमें हमने इनफ्लो ब्लड लाइन कि जिसमें पेशेंट के SS से लेके ब्लड पंप तक का सेगमेंट हमने डिस्कस किया, जिसको प्री पम्प सेगमेंट कहते हैं। अब हम पम्प माने ब्लड पम्प का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सेकेंड है ब्लड पम्प। ब्लड पम्प वो वास्कुलर एसेस से ब्लड को सक करके डायलाइजर तक ले जाता है। ऑन एन एवरेज जैसे हमने बात करी कि ऑन एन एवरेज 350-500 के बीच में ये ब्लड पम्प किया जाता है। ये जो एक्शन है ना, ये पेरिस्टाल्टिक फॉर्म में होती है। पेरिस्टाल्टिक फॉर्म में माने ये पम्प का जो ये एंड है, जैसे इस फिगर में हम देखते हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये ट्यूब ये है ये ट्यूब को कोलेप्स कर देता है उस सेगमेंट में। फिर जब उसको हम आगे मूव करते हैं, जैसे इस तरह से हम उसको रोटेट करेंगे जैसे हमें ये क्रैंक से रोटेट करता हुआ दिख रहा है, तो उसमें पर्टिकुलर सेगमेंट कोलेप्स रहेगा, और उससे जब वो राउंड आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे वाला सेगमेंट खींचेगा और आगे वाला सेकंड धकेला जाएगा। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मैकेनिज्म। इससे ब्लड को पुश किया जाएगा, बराबर। और पुल और पुश इस तरह की टेक्निक से, जो पेरिस्टाल्टिक वे से, ये आगे बढ़ता जाएगा। जब कोई इमरजेंसी होगी, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चली गई या माने पावर फेलियर हुआ, तब क्या होता है, ये पंप अटक जाता है या कभी एयर आ जाती है, ये सब कुछ चीज़ें होती है कि जिसके अंदर ये पंप अटक जाता है। तब ये क्रैंक से इस पंप को घुमाया जाता है, इस क्रैंक से इस तरह से पंप को घुमाया जाता है जिससे वीनस प्रेशर इतना जो उसकी अपर लिमिट है, उसके माने लिमिट है, उसको क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। ये क्रैंक है, क्रैंक बहुत बार इमरजेंसी में यूज़ करना होता है, तो आपके मशीन में जनरली के पीछे के पार्ट में या और कोई स्टोर रूम में ये क्रैंक पड़ी होती है, पर जनरली इसको मशीन के साथ ही रखना चाहिए, और इसको पंप के अंदर हम इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। क्रैंक को कैसे इंसर्ट करना है, इसका हम एक वीडियो भी देख लेते हैं, और ये है उसका वीडियो।
ठीक है, अब हमने एक वीडियो देख लिया कि क्रैंक को कैसे यूज़ करना है, वो हमने अभी देख लिया। ओके, सो अब अगर हमने ब्लड पंप का डिस्कशन कर दिया है तो उसके आगे का सेगमेंट है और वो है इनफ्लो ब्लड लाइन। इनफ्लो ब्लड लाइन माने पोस्ट पंप सेगमेंट। सो ये रहा पोस्ट पंप सेगमेंट, माने ये पंप पंप के बाद का ये जो पूरा सेगमेंट है ये पोस्ट पंप सेगमेंट कहा जाता है। सो इसके अंदर हमें क्या क्या देखा हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो टी लाइन होगी जो हिपेरिन के लिए होगी। हिपेरिन क्यों होता है? तो ब्लड को क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए होता है। हिपेरिन देने की अलग अलग टेक्निक होती है। एक होता है इंटरमीडिएट ऑन एंड ऑफ कि हम बोलस दे देते हैं और हर घंटे पे थोड़ा हिपेरिन दिया जाता है। एक होती है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन मेथड कि जिसके अंदर इन्फ्यूजन पम्प का एक रेट सेट कर दिया जाता है और उससे हिपेरिन दिया जाता है। एक होता है टाइट कंट्रोल कि जिसके अंदर एपीटीटी उसको मेज़र किया जाता है और उसके वैल्यू के मुताबिक हिपेरिन का डोज मॉडिफाई किया जाता है। जनरली जिस पेशेंट को फिशुला या ग्राफ्ट होगा उनको ट्रीटमेंट के एक आध घंटे पहले ही हिपेरिन देना बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती। पर जो डीएलसी वाले पेशेंट होते हैं उनको एंड तक हिपेरिन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब एक चीज़ है प्री डायलिसिस इनलेट प्रेशर मॉनिटर। अब जो दूसरा प्रेशर मॉनिटरिंग है ये कहलाता है P2। अब P2 के लिए जो हमने P1 वाला पॉट दिखाया था वहीं पे मॉनिटरिंग होगा। सो अगर हम देखें जो हमने पहले भी प्रेशर मॉनिटरिंग में दिखाया यही पॉट पे अगर हमने ये वाली अगर हम ये फ़ोटो को मैक्सिमाइज़ करें तो ये लाइन को अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो इस चैम्बर में, क्योंकि ये पोस्ट पंप है और ये जो चैम्बर है ये आर्टेरियल चैम्बर है जो हम एयर रिमूव करने के लिए करते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो हमें P2 प्रेशर दिखाएगा। ठीक है ना? तो वो प्रेशर हम वहाँ पे मेज़र कर पाएंगे। सो ऑन एन एवरेज ये ऑब्वियसली ये P2 क्योंकि वो पंप के बाद का प्रेशर है और वो फिल्टर के जाने के पहले का प्रेशर है तो वो पॉजिटिव रहेगा। सडन P2 कब बढ़ेगा? जब भी इम्पेंडिंग क्लॉटिंग होने वाला होगा, माने डायलाइजर की क्लॉटिंग होने की प्रक्रिया अगर शुरू होने वाली होगी जिसको इम्पेंडिंग क्लॉटिंग कहते हैं तब ये बढ़ेगा। अब हमने बात तो करी कि ये पॉजिटिव होगा, पर अगर इतना पॉजिटिव नहीं है तो उसका क्या मीनिंग है कि ब्लड लाइन सेपरेट हो गई है जो हमने पहले डिस्कस किया था। जो ब्लड पम्प से मॉनिटरिंग साइट है उसकी बीच की लाइन क्लॉट हो गई है या लाइन किंग हो गई है या फ्लो अच्छा है। प्रेशर ज़्यादा कब आएगा? जैसे हमने बात करी फिल्टर क्लॉट हो गए या वीनस नीडल का फ्लो इतना अच्छा नहीं आ रहा, हमने ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रखा है और यहाँ ब्लड ट्यूबिंग का वो पार्ट किंग हो गया कि जिसमें ब्लड वापस जा रहा है। अगर हम इस P2 को वीनस प्रेशर माने P3 के साथ अगर कंबाइन करें और उससे हम ब्लड कंपार्टमेंट का प्रेशर जान पाएंगे, माने P2 क्या है? फिल्टर के पहले का प्रेशर। P3 क्या है? फिल्टर के बाद वाला वीनस प्रेशर। अगर हम उसको मॉनिटर करें तो ऑब्वियसली ब्लड कंपार्टमेंट का प्रेशर कंबाइन मालूम पड़ जाएगा। अगर हम उसको डायलिसिस के सॉल्यूशन के कंपार्टमेंट डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट के प्रेशर के साथ देखें तो हम प्रॉपरली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। सो ये जो हमने डिस्कशन किया ये था पोस्ट पम्प सेगमेंट। अब उसके बाद आता है आउटफ्लो ब्लड लाइन। सो ये पूरा अगर हमने डिस्कशन कर लिया कि पोस्ट पम्प सेगमेंट में क्या होता है, अगर हम आउटफ्लो ब्लड लाइन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ड्रिप चैम्बर। वो इजीली एयर रिमूवल के लिए काम आती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एयर डिटेक्टर जो एयर एम्बोलिज्म प्रिवेंट करता है। एयर डिटेक्टर क्या होता है? बेसिकली हमें एक अल्ट्रासाउंड है, ये एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है। अगर हम बेसिक समझे अल्ट्रासाउंड का, तो अल्ट्रासाउंड में कैसा होता है कि एयर के अंदर साउंड जल्दी पास होता है। तो अगर ब्लड के अंदर एयर आएगी ना तो वो साउंड जल्दी से पास हो जाएगा और उसकी अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी में जो मिसमैच आया उससे एक अलार्म बजेगा। ठीक है ना? वो पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर पेशेंट के बॉडी में एक साथ कुछ एयर चली गई तो ऑब्वियसली वो पेशेंट में के लिए डेथ का कारण बनती है। इसलिए इस अलार्म को अगर हम कभी भी डायलिसिस शुरू करें तो इस अलार्म का वर्किंग बहुत मैटर करता है, ये हमें खास ध्यान रखना है। जैसे ही ये अलार्म एक्टिवेट होगा एक क्लैंप होता है, ये रहा क्लैंप।
ये है वीनस क्लैंप, ये एक्टिव हो जाएगा। ये अलार्म कैसे बजेगा? अगर हम इस सेगमेंट को खोलें तो ये है पूरा वीनस चैम्बर, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ये है वीनस ड्रिप, इसको हम ड्रिप चैम्बर क्यों कहते हैं? अगर इसको हम अप डाउन भी कर सकते हैं, अगर हम देखें ये जो सेगमेंट है यहाँ से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं और इसमें ब्लड का लेवल चेंज कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड जो सेगमेंट होता है वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलते हैं, और अगर ये ब्लड लाइन बहुत नीचे चली जाएगी क्योंकि उस कंडीशन में इसको बढ़ता जाएगा कि एयर इस लाइन के अंदर एंटर होती जाए, तो सीधा ये वाला क्लैंप खुल जाएगी। ये मैग्नेटिक लाइन होती है जो ओपन हो जाएगी और पूरा क्लैंप हो जाएगा। सो अगर हमें वापस उस पर लाना है तो हम इससे मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम यहाँ से एयर खींच सकते हैं, बराबर। ये इम्पोर्टेंट रहता है। जनरली एयर कहाँ कहाँ से आती है? एक तो सबसे पहले आर्टेरियल हैंडल से, या प्री ब्लड पंप आर्टेरियल ट्यूबिंग सेगमेंट से, या वीनस कैथेटर अगर ओपन है तो वहाँ से, कोई एम्प्टी बैग या इन्फ्यूजन सेट है वहाँ से, और हेपरिन लाइन से। ये कॉमन प्लेसेस होते हैं। अब जो तीसरा पेशेंट P3 है तो वो यहाँ से मॉनिटर होता है। ये है वीनस प्रेशर। ओके, ये जो वीनस प्रेशर है उसके अंदर हम प्रॉपरली, अगर वीनस प्रेशर का मॉनिटरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमें स्टेट ऑफ कोगुलेशन मालूम पड़ता है। जैसे ही कोई क्लोटिंग शुरू होगा P3 बढ़ता जाएगा। क्लोटिंग को अगर हमें अच्छे से डिफाइन करना हो ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है P2 और P3 दोनों को मेज़र किया जाए, ठीक है। अगर दो में से एक ही प्रेशर मॉनिटर करेंगे ना तो एफिशिएंसी उसकी कंपेटिवली कम हो जाएगी। ओके, अब ये जो प्रेशर है डायलिसिस टू डायलिसिस, प्रोसेस टू प्रोसेस, हम कितना नेगेटिव करते हैं, कितना फ्लो रेट रखते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, हाइट ऑफ ड्रिप चैम्बर कितनी है, नीडल साइज़ कितनी है, बहुत सी चीज़ों से वेरी करेगा। और हमें उसका एक कट ऑफ भी जानना पड़ेगा, जिससे अगर हम मशीन में वो कट ऑफ सेट कर पाए तो हम प्रॉपरली उसको समझ पाएंगे। पर जैसे हमने समझा कि इसके वेरिएशन की वैल्यू के साथ जो अलार्म बजेगा वो अगेन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पर सबसे ज़्यादा बड़ा अलार्म कौन सा है? कि अगर कोई वीनस लाइन ओपन हो गई तो ऑब्वियसली उसमें वीनस प्रेशर अलार्म बजेगा, पर ज़रूर नहीं को हमेशा बजे। सो हमारा कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो अगर हम वापस वीनस प्रेशर अलार्म की अपर और लोअर लिमिट का डिस्कशन करें तो वो लो माने कम कम हो जाएगा कि जब कोई कनेक्शन खुल गया, ब्लड फ्लो कम है, कोई ब्लॉकेज है ब्लड ट्यूबिंग का, एसएस माने आर्टेरियल एसएस से मोनिटरिंग साइट तक, या डायलाइजर क्लॉट हो। बहुत हाई प्रेशर कब आएगा? सीवियरली क्लॉटेड डायलाइजर होगा तब की बात। और हाई कब आएगा? कि जब ब्लड ट्यूबिंग है वो मॉनिटरिंग साइट को वीनस नीडल तक ब्लॉक होगी। सी, समझना है कि क्लॉटिंग एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है, उसके मुताबिक प्रेशर के अप डाउन होते हैं, समझे। जब भी कोई अलार्म है, अलार्म के पहले का सेगमेंट ग्रॉसली अफेक्ट होगा तो वो प्रेशर को ड्रॉप करेगा, और उसके बाद का होगा तो वो एलिवेट करेगा। वो हम एक प्रेशर के बारे में अभी हमने तीनों का जब डिस्कशन किया P1, P2 और P3 तो हम ये समझ पाए, ठीक है। तो जैसे अब ये हमारी बात हुई कि हाई कब होगा, तो ब्लॉकेज बिटवीन ब्लड ट्यूबिंग टू माने ब्लड ट्यूबिंग जो मॉनिटरिंग साइट से वीनस नीडल तक है तब तक, या जो वीनस नीडल की पोजीशन अच्छी नहीं है जिससे प्रॉपर फ्लो वापस नहीं जा रहा, कैथेटर अच्छा नहीं है, या लाइन क्लॉट हो गई, ठीक है। ये रीज़न होते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये वीनस लाइन क्लैंप बहुत इम्पोर्टेंट साइट होती है जिससे हम एयर ब्लड बॉडी के अंदर ना जाए ना, उसके लिए बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये ब्लड ट्यूबिंग की अगर अलग अलग सेफ्टी के लेवल की अगर हम बात समझें या बात करें तो अलग अलग प्रेशर मॉनिटरिंग हुआ, P1, P2 और P3 हुआ, ये वीनस क्लैंप हुआ, और उसके साथ एक ये प्रोटेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर माने जो ये प्रेशर मॉनिटर करने का जो डिवाइस होता है उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और उसको भेद से बचाने के लिए जो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर, उसको शॉर्ट में हम TP भी कहते हैं। TP दो तरीके होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसका डिस्कशन हम हमारे एक नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे और वो भी देखेंगे। तो आई थिंक आज हम एक डिस्कस कर पाए कि ब्लड ट्यूबिंग क्या होती है। एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर वो हम देखना चाहें तो बहुत से सेंटर में P1 माने आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर नहीं होता,
तो वो आर्टरी प्रेशर अगर मॉनिटर किया जाए तो उसके अलार्म कैसे दिखते हैं, अगर वो देखना है ना तो उसका ये वीडियो है जो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा हमने इस वीडियो में देखा कि जो लाइन को किंक किया गया तो प्रेशर में कैसा चेंज आया, सो सेम वे में ये एक एग्जांपल है कि P1 P2 P3 किस तरह से वर्कआउट करते हैं। सो आज हम जो ये टॉपिक का डिस्कशन कर पाए उसका बेसिक कंटेंट हमने टेक्स्ट बुक ऑफ डायलिसिस थेरेपी से लिया हुआ है, और हम फ्यूचर में ऐसे दूसरे टॉपिक्स का डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पोस्ट के नीचे उसको पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू रिप्लाई एंड हम उसके फर्दर डिस्कशन कर पाएंगे। और फ्यूचर में भी अगर हम और भी कोई टॉपिक का डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू।